सीखिएगा। यहां जरा सीखिएगा हम क्या क्या बोलेंगे, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। 90 किलोमीटर की कुछ दूरी कुछ साइकिल से कुछ पैदल 8 घंटे में तय किया। यदि साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पैदल का समय बताइए। तो समय बताना है तो टोटल समय कई घंटा था, इसी को दो पार्ट में बांटना है, पैदल और साइकिल। किसमें बांटना है जरा सीखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। कह रहा है पैदल का समय बताइए, तो टोटल समय 8 घंटा है, तो उसमें कुछ पैदल चला होगा और कुछ साइकिल से। तो पैदल निकालना है, सबको साइकिल से गुना करेंगे, 18 के स्पीड से 8 घंटा तक चलेगा तो 144 किलोमीटर ना होगा। यहां दिया हुआ है कितना अंतर, कितने का पैदल साइकिल और पैदल में अंतर जल्दी देखिएगा, 18-9 में जल्दी बोलिए, अर्थात आंसर कई घंटा। क्या आपको समझ में आया? फिर से समझ आने का प्रयास कर रहा हूं। करा पैदल यात्रा का समय बताइए, तो पूरे समय को दो पार्ट में बांटना होगा, पैदल और तब पैदल का निकालना है तो पूरे समय को क्या मान ले साइकिल। 8 घंटा साइकिल से चलेंगे तो साइकिल की चाल इतना नहीं दूरी हो जाएगा 144। 8 घंटा अगर साइकिल से चलेंगे तो साइकिल की स्पीड 18 ना है, तो हो जाएगा 144। जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कितना 144, 90 में अंतर कितने का, पैदल साइकिल और पैदल में अंतर कितने का, आंसर कई घंटा। ये हो गया पैदल का। अगर आप लोगों से साइकिल का निकालना रहता तो पूरे समय को किससे गुना कर लेते, पूरे समय को पैदल से गुना करते, तो 72 किलोमीटर ना। अब प्रश्न में दिया हुआ है 90, अंतर कितने का, आप बटा 9, देखिए जोड़ के 8 घंटा आ रहा है, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही सही है। अब रुकिएगा, परीक्षा में यहां प्रश्न पूछ दिया गया है विद्यार्थी जी, उन्होंने पैदल यात्रा कितनी पैदल यात्रा की दूरी ज्ञात करें, पैदल यात्रा की, ऐसा प्रश्न पूछा गया किसका। अब लड़के लोग क्या गलती कर दिए, टोटल दूरी कितना है 90, अब 90 को दो पार्ट में बांटना है, पैदल में और साइकिल। तो पैदल का निकालना है सबको क्या करेंगे साइकिल से गुना, पैदल को निकालना है सबको, तो 90 किलोमीटर को चाल से गुना करिएगा कुछ निकलेगा, दूरी गुने चार बराबर कोई फॉर्मूला होता है क्या, ना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हर हालत में इसको गुना करना होता है, इसको क्या करना होता है, बोलिएगा भाग दे देंगे 90 किलोमीटर को 18 से तय करेंगे 5 घंटा होगा, यहां दिया हुआ 8 घंटा अंतर हो जाएगा 3 घंटा का, अंतर हो जाएगा 3 घंटा का, तो यहां अंतर पता चलेगा आप लोग, मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। तो बंटवारा किसका होगा, 90 का नहीं बल्कि 8 का। पूछे 8 का क्यों होगा, क्योंकि उसी को आप बंटवारा कर सकते हैं जिसको गुना होता है, गुना करने पर तीसरा निकलता है। अगर समय दिया हुआ है तो समय को चाल से गुना करिएगा तब ना दूरी निकलेगा। या दूसरी चीज ध्यान रखिए, जब इस तरह का यूनिट काम करने लगेगा तो इसका यूनिट देखिए किलोमीटर प्रति, प्रति के बाद क्या लगा हुआ है, प्रति के बाद जो लगा रहता है वह इसी का निकलता है, तब प्रति के बाद किसका लगा हुआ, अर्थात जब भी निकलेगा तो घंटा ही को ही बांट सकता है, यह दूरी को बांटने वाला इसकी औकात नहीं, इसका कि किसी को भी औकात नहीं है, कोई भी फॉर्मूला औकात नहीं दिखाएगा। तो मैंने आप लोगों से बोला कि इसका यूनिट क्या है किलोमीटर प्रति, तब प्रति के बाद कौन लगा हुआ है, घंटा किसका मात्रक होता है, समय को ही दो भाग में बांटने का तरीका गाय मुर्गा है, कौन बांटेगा समय, तो समय टोटल कई घंटा था, अब 8 घंटा को ही दो रूप में बांट सकते हैं साइकिल में और पैदल में।
अब अगर पैदल का समय निकालना है, सभी समय को साइकिल से गुना करो, आठों को साइकिल से करेंगे, अठारह आठ 144 किलोमीटर आपस में दिया है, 90 अंतर हो गया, 54 का यह अंतर है, 9 का आंसर कई घंटा। अगर साइकिल का समय पूछा जाता सबको पैदल से गुना करते, आठों को पैदल से गुना करेंगे, अठ नवा 72, यहां 90 अंतर है 18 का, जबकि यहां अंतर है 9 का, कई घंटा। अब अगर दूरी निकालना है तो एक सेकंड में निकल जाएगा। 6 घंटा चला है कै के स्पीड से, 9 के स्पीड से, तो कुल दूरी हो जाएगा 9 छक 2 घंटा चला है कितना के स्पीड से, तो कुल दूरी हो जाएगा 18 दुनी 36, जोड़ के देखिए ना 90 आ रहा होगा। तो पहले बंटवारा किसका होगा, समय का, और समय का बंटवारा हो गया तो समय मालूम है, चाल मालूम है, दूरी अपने आप, दूरी निकलने वाला नहीं है। एक गलती आरएसवाल किताब में भी है, दूरी का रेशियो निकाल दिया, वो गलत हो जाता है, जब भी निकलेगा तो किसका निकलेगा, समय का। पढ़े आगे, ध्यान दीजिएगा, अंतर का मतलब बताइए, अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को, जैसे 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का, 5 और 3 का अंतर कितना, 2 का, 3 और 5 का अंतर भी 2 का, हाय -3 और 2 में अंतर कितने का, अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को, तो 2 में से घटाइएगा -3 को तो 5 का ही अंतर आ जाएगा, -5 क्यों बोल रहे हैं आप, अंतर मीन्स होता है सीधे से बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अंतर पूछेंगे ना तो केयर कीजिएगा, आप बड़ा में से छोटा को घटाने जाने वक्त ध्यान रखिएगा, दोनों अगर समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, अपोजिट चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा +3 और +5 में अंतर होता है 2 का, -3 और +5 में अंतर होता है 8, -3 और -5 में अंतर होता है 2 का, लेकिन -3 और -5 में अंतर हो जाएगा 8, है पता। तो अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। तो जब कभी भी दोनों का चिन्ह अगर सेम हो, दोनों का चिन्ह अगर सेम हो तो अंतर में क्या होगा, घटेगा। दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग हो तो अंतर में क्या होगा, याद रह जाएगा। तो अंतर का तुलना जब अंतर से करने जाइएगा तो समान चिन्ह रहेगा तो घटा दीजिएगा, अपोजिट चिन्ह रहेगा तो जोड़, तो सीखिएगा। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाने लगाने पर 3 रुपए, गलत निशाने लगाने पर 1 रुपए काट लिए जाते हैं, 1 रुपए काट लिए जाते हैं, मतलब सही लगाइएगा तो +3 और गलत लगाइएगा तो -3। एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 5 रुपए प्राप्त हुए तो उसके कितने निशाने सही, तो सीखिएगा। सही निशाना लगाना है, सभी निशाने को गलत से गुना कर लें, सही निशाना लगाना है सभी को तो 75 निशाने गलत हो जाएंगे तो -75 में मिलेंगे, कितना मिलेंगे, 75 निशाने गलत मार दीजिएगा तो 1 रुपए के हिसाब से -75 में चले जाएंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ है कितना, तो -75 और +5 में अंतर होता है, इधर +3 और -1 में अंतर होता है, अंतर का तुलना अंतर से आंसर मौजूद है। फिर से गलत निकालना है तो सबको क्या मानिएगा, तो सबको सही से गुना करिएगा तो 75 × 3 225 रुपया मिलना चाहिए, अब मिला है 5 रुपया, अंतर हो जाएगा 220, क्योंकि ये भी प्लस ये भी, लेकिन अंतर का तुलना अंतर से, -+3 और -1 में अंतर है, देखिए तो जोड़ के 75 आ गया, सरदर्द हो गया क्या। तो अंतर निकालने वक्त तब केवल केयर करिएगा कि प्लस एक माइनस है तो अंतर में जुटेगा, लेकिन दोनों प्लस दोनों माइनस रहेगा तो अंतर में घटेगा।
तो फिर से एक बार बोलता हूं, अगर गलत निशाने निकालने हैं सभी को सही से गुना कर लीजिए, तो 75 निशाने को सही से गुना करिएगा तो 75 × 3 225 रुपया मिलना चाहिए। तो प्लस 225 और प्लस 5 में अंतर होता कितने का? 220। इधर प्लस 3 और माइनस 1 में अंतर होता है, आंसर हो जाएंगे 55। हाँ, अगर सही निशाना लगाना होता तो सबको क्या मानते? तो 75 निशाने गलत होंगे तो 1 रुपए के हिसाब से माइनस 75, यहां कर रहा है प्लस 5, तो माइनस 75 और प्लस 5 में अंतर, यहाँ अंतर है 4 का। आंसर समझ में आ गया होगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।